हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू शबलुनी यूके चैनल। दोस्तों, मेरे साथ आज लड़का सूरज सिंह, लड़के का नाम है, और लड़का यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया हुआ, एडवांस कुलिनरी मास्टर इन होटल मैनेजमेंट, इज दैट राइट? यस। तो यहाँ ये ऑलरेडी 3 साल का डिप्लोमा इंडिया में कर चुका है, लेकिन यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए हैं और एडवांस नॉलेज लेने के लिए, अपना जो फील्ड है, अपनी जो कुलिनरी है, अपना जो हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट है, उसके बारे में और जानने के लिए इनको आया हुआ है यहाँ पे। मेरे अराउंड 6 वीक इज वर्किंग विद मी एज ए स्टूडेंट, कभी 2 आवर कभी 4 आवर, क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी जाना होता है, कॉलेज में क्लासेस अटेंड करनी होती है। तो एक आज मेरे पास कुछ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं, किचन में यूज होती हैं। तो ये जानते हैं इनकी नॉलेज कितनी है, कितने इंग्रेडिएंट्स को ये जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो इनसे शुरू करते हैं हम अभी कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या नाम है, हिंदी में क्या नाम है और इंग्लिश में क्या नाम है। सो शैल वी स्टार्ट? या तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये क्या है? ये कोकोनट पाउडर। ये कोकोनट पाउडर, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नारियल का बुरादा। ये जी नारियल का पाउडर आप कह सकते हैं, बुरादा भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये सॉल्ट, नमक। सिंपल है, सॉल्ट है, नमक है। और ये आलमंड पाउडर। तो एक तो इनको याद रहेगा, ये आलमंड पाउडर है, आलमंड फ्लोर भी इसको बोलते हैं, और इनको याद रहेगा अपनी लाइफ में कि हाँ, इंग्लैंड में ये इंग्रेडिएंट सारे मिलते हैं। अगर कल कोई किसी रेस्टोरेंट को रन करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाना हो, तो जब हम शुरू शुरू में आए थे, हमें इनमें से बहुत से जो ये चीज़ें हैं ये पता भी नहीं था कि इंग्लैंड में ये सब मिलती भी हैं, धीरे धीरे पता चला है। तो ये एक मेमोरी अगर इनकी शार्प होगी तो इनको याद रहेगा कि हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं इंग्लैंड में। ये क्या चीज़ है? काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ये है जी काला नमक। उसके बाद ये कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर सीड है, धनिया, साबुत धनिया। ये कसूरी मेथी, फेनुग्रीक। ये है जी कसूरी मेथी। फिर आ गया जी आपका ये कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर क्या होता है? ये धनिया पाउडर है जी। ये हल्दी। ये आ गया जी हल्दी और टर्मरिक पाउडर। ये क्यूमिन पाउडर। ये जी क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर। व्हाट इज इट? लाल मिर्ची। ये है जी लाल मिर्च है, और ये है देगी मिर्च जिसको कहते हैं, जो ब्रांड भी है एक, और इसके साथ आपको कलर वालर की जरूरत नहीं पड़ती। ये बताइए मिलेट्स। ये है मिलेट सीड आप कह सकते हैं इसको, जो हमारे उत्तराखंड में इसको कहते हैं झंगोर। तो ये झंगोर जो भाई झंगोर भी मिल दो का, और मिलेट उसको बोलते हैं। जिंजर पाउडर, सौंठ। ये है जी सौंठ पाउडर, जिंजर जो अदरक होता है उसका पाउडर है। उसके अलावा ये कॉर्नफ्लावर। नहीं, ये कॉर्नफ्लावर नहीं है। तो ये जो बाहर के छिलके सहित जो मक्की का दाना होता है, ये मक्की का आटा बेसिकली। ये कॉर्नफ्लावर अलग होता है। और ये बताइए, तो चलो ये मैं बता देता हूँ। ये है आलू का फ्लावर, आलू पाउडर जो होता है, पोटैटो पाउडर। और ये है चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्ची। ये कुटी हुई मिर्ची इसको बोलते हैं, और चिली फ्लेक्स ही हो गया। ये बताइए मस्टर्ड सीड्स। ये है मस्टर्ड सीड्स, सरसों का दाना। और ये बताइए जी ये है जी काला जीरा, ब्लैक क्यूमिन। ब्लैक क्यूमिन की तरह एक इससे सिमिलर सॉर्टअप होता है जिसको शाही जीरा भी कहते हैं, लेकिन ये ब्लैक क्यूमिन है। व्हाट इज इट? फेनल सीड, सौंफ। ये फेनल सीड है, सौंफ बोलते हैं जिसको। और ये आमचूर पाउडर। ये है जी आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आमचूरी बोलते हैं। उसका आमचूरी हुआ जी, तो मैंगो फ्लावर या मैंगो पाउडर भी बोल सकते हैं। और ये रोस्टेड ग्राम। ये है जी रोस्टेड चना, भुना हुआ चना जिसे कहते हैं। ये आगे आपके क्लोव्स। क्लोव्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? लॉन्ग बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ये भी है, ये क्या? ये स्टार एनिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? फूल चक्री। फूल चक्री। और ये कार्डमम, ग्रीन कार्डमम। कार्डमम, ग्रीन कार्डमम है जी, ये छोटी इलायची जो होती है। ये ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर कॉर्न। ये है ब्लैक पेपर कॉर्न, ब्लैक पेपर शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग, बट ब्लैक पेपर कॉर्न है। और ये सीड्स, ये जो ब्लैक पेपर कॉर्न है इसको बोलते हैं काली मिर्च, काली मिर्ची है ना। और ये क्या है? ये फेनुग्रीक सीड्स। ये फेनुग्रीक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मेथी दाना। उसके अलावा सबको पता ही है, हर किचन में अवेलेबल है अपने इंडिया में, तो क्या बोलते हैं? होल चिल्ली। होल चिल्ली ये है जी साबुत लाल मिर्च। और ये अजवाइन। ये अजवाइन है, और अजवाइन को क्या बोलते हैं? इसको 3-4 नामों से जाना जाता है इंग्लिश में। हाँ, कोई बिशप स्वीट बोलता है, कोई कैरम स्वीट बोलता है, कोई अजवाइन बोलता है, कोई अजवाइन। और ये बेलीफ। ये है जी बेलीफ।
ये जो तेज पत्ता होता है, दालचीनी पत्ता भी बोलते हैं इसको, और गांव में बड़े इसको खाते भी हैं, पेड़ होते हैं हमारे तरफ तो इसके, तो बड़ा मीठा होता है खाने में। हरे पत्ते, ये जो सिनेमन स्टिक, दालचीनी डंडा है ना जी। और ये है जी आपका, ये ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डमम। और ये अब आ गया आपका बहुत ही कॉमन, बिना इसके तो कुछ मतलब हो ही नहीं सकता, जीरा है जी, साबुत, क्यूमिन बोलते हैं इसको, सेसमे सीड्स। ये है जी सेसमे सीड, लेकिन ये व्हाइट सेसमे सीड भी आपको दो तीन तरह के मिलेंगे, रेड होता है, ब्राउन होता है, व्हाइट है और ब्लैक होते हैं। तो ये है सफेद वाला तिल। इसके अलावा ये आलमंड फ्लेक्स, ये जो बादाम के फ्लेक्स, बादाम के चिप्स, पतले पतले, तो इनको बोलते हैं आलमंड फ्लेक्स। इसके अलावा बहुत से और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन ये कॉमनली यूज होते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा इसका भाई, ठीक ही रहा ट्रायल तो, आज नॉलेज है। वैसे काफ़ी देर से देख भी रहा था कि क्या क्या आज ट्रे में यहाँ पे आ रहा है, तो थोड़ा उसने देखा भी होगा कि ये चीज़ हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं आ रही है, बट वेल डन, थैंक यू सर। अब आपने करना क्या है, काम पे ध्यान रखना, अपने दिमाग से काम लेना, नहीं आता तो उसको पूछो, सर मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही, आपको बताई जाएगी वो चीज़, ठीक है। अब लड़के को हमने कल एक चीज़ और बताई थी, अनियन भाजी। अब अनियन भाजी के इनसे पूछते कैसे बनानी है, क्योंकि ये देखो इन्होंने तीन चार दिन पहले हमने इनको बताया था, लेकिन आज हम इनके हाथों से बनवाएंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले थे और क्या क्या ये भूल गए हैं कि इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया था। तो ये आज इनका दूसरा एक ट्रायल है, और साथ ही साथ इनको सिखा भी रहे हैं, इसी तरह से ये सीखेंगे भी। तो देखते हैं कि ये किस तरह से आज अनियन भाजी बनाते हैं, जहाँ पे मिस्टेक करेंगे इनको हम बताएंगे। आप भी देखें, बहुत ही पॉपुलर डिश है, स्पेशली द इंग्लिश पीपल लव इट, वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर अनियन भाजी है। सो ऑलरेडी हमने हाफ के जी आधा किलो अनियन काटा हुआ। तो ये शेफ सूरज हमारे देखे, उन्होंने मिक्स बेल पेपर ये जूलियन करे हुए पतले पतले स्ट्रिप्ट काटे हुए, और अब काट रहे हैं आलू, पोटैटोज कट रहे हैं ये पतले पतले जूलियन शेप में, और इनको हम ऐड करेंगे मिक्सिंग बाउल में। साथ में अब इसमें डाल रहे हैं हम फाइन चॉप जिंजर, फाइन चॉप जिंजर ऐड हो गया है, थोड़ा सा ऐड करेंगे ग्रीन कोरिएंडर, So this is the corn flour, 1.5 tablespoon, that's it, 3 to 4 tablespoon, besan, gram flour, what is missing, is anything missing there, nothing, no. You sure, where is the coriander seed, did you put the coriander seed, no. तो शेफ सूरज जो है हमारे कोरिएंडर सीड, क्रश कोरिएंडर सीड ऐड करना भूल गए थे, मिस कर गए थे, तो ये अब हमसे ऐड करवा रहे क्रश कोरिएंडर। दिस इज हाउ वी क्रश इट, एंड नाउ द क्रश कोरिएंडर विल गोज इनटू द मिक्सिंग बाउल, सो टाइम टू ऐड द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ अनियन भाजी, नाउ टाइम टू मिक्स इट। पानी इसमें ऑलरेडी होता है मॉइस्चर काफ़ी अनियन में, बट थोड़ा बहुत आपको जो है पानी ऐड करना है, हल्के हल्के, एक साथ नहीं डालना, ये देखिए भाई थोड़ा थोड़ा करके, ये आपका धीरे धीरे आपको इसमें पानी ऐड करना है, बहुत ही कम मात्रा में। गाइज वी नीड टू ऐड लिटिल मोर बेसन ग्राम फ्लावर, आई जस्ट कीप रिमेम्बर प्लीज डोंट यूज टू मच वाटर, यूज लिटिल वाटर एंड मिक्स इट। और हम तो यार गाँव के आदरणीय है, गाँव हमने जब हम स्कूल पढ़े छह तो भर हम पुरान किताब कॉपी दिन चार लाला जी दुकान हम, और दुकानदार लाला जी हम तो फिर दुई पकौड़े प्याज एक दिन चार, क्या टेस्ट आन जाओ, मजा आ जाए। साइज वी हैव टू मेक अ बॉल, लुक एट दिस। सो गाइस पकौड़े इज नियरली डन डीप फ्राइड, सो फ्रेंड्स अनियन भाजी इज रेडी नाउ, लुक एट दिस ब्यूटिफुल कलर एंड टेक्सचर। ऑल्थ्रो इट इज अ फेमस स्नैक्स इन इंडिया, it is very well loved by the people in the UK for its intense spice and amazing flavor.
साथियों उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा जिस तरह से हम यहाँ पर शेफ़ सूरज को सिखा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब में चैनल है शेफ़ बलूनी यूके के नाम से, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पेज है शेफ़ बलूनी यूके के नाम से, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपका जब मन करे, जब आपका दिल खुश हो तब कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।